फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं यस बैंक की। आज सैटरडे है, मार्केट बंद है, तो आज हम यस बैंक में बहुत सारे लोगों के मन में जो सवाल उठ रहे हैं, उनके जो डाउट है, उनको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर, इसमें सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर ही फंसे हुए, कोई इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है। तो इसके लिए हम आज नए लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न को डिस्कस करेंगे जून महीने के, जिससे आपको भी समझ में आएगा कि इसमें म्यूचुअल फंड भी अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, साथ में इसके जो गिरवी शेयर है वो लगातार कम हो रहे हैं, यानी अंदर से यस बैंक किस तरह से मजबूत हो रही है उसको आपको भी अच्छे से क्लियरली समझ में आएगा। साथ में जो ये मैटर बना वोडाफोन आइडिया का, उसका कितना इफेक्ट यस बैंक के ऊपर पड़ा, उसके पीछे क्या वजह बनी, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे कमेंट करके कह रहे थे कि ये तो सर सिर्फ 4000 करोड़ रुपीज़ का तो इन्वेस्टमेंट है, इतने से लोन के लिए क्या यस बैंक है इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है? तो वो लोन कितना बड़ा है और उसकी क्या उसकी मायने है, उसको भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो आज इस वीडियो के माध्यम से आपके सारे डाउट मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा, जिससे आपको भी समझ में आ जाएगा कि यह आने वाले समय का मल्टीबैगर स्टॉक साबित हो सकता है और ये मौका है इसमें इन्वेस्टमेंट करने का। तो अच्छे से पूरा वीडियो देखें, स्किप ना करें। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम फ्राइडे के कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। स्टॉक ओपन हुआ 12.45 पर, हाई बनाई 12.75 की, लो इसने बनाया 12.40 का और एंड में 12.60 पर 1.61% की तेजी के साथ में क्लोजिंग दी। तो स्टॉक ने अपना निचला लेवल बता के फिर से अच्छा खासा बाउंस बैक दिया है। इसके वॉल्यूम को अगर एनालिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 12 करोड़ का वॉल्यूम था, वन वीक पहले 10 करोड़ का वॉल्यूम था, परसों 10 करोड़ का वॉल्यूम था, कल 8 करोड़ का वॉल्यूम हुआ, तो थोड़ा सा वॉल्यूम कम है, लेकिन स्टॉक इस लेवल पे बहुत अच्छा लग रहा है एंट्री के लिए। 11.90 इसका 52 वीक का लो है और लगभग उसको इसने टच कर लिया, यानी पिछले एक साल की इसने लो बताई, वहाँ के आसपास जाके स्टॉक फिर से खरीदारी के लिए अच्छा बन चुका है। 20.75 इसका 52 वीक का हाई है, तो काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है, मात्र 3.22% दूर है अपने लो से, यानी अपने लो के करीब है। वहाँ से ये एंट्री लेवल बहुत ही बेस्ट बन रहा है, करीब 40% वापस ऊपर से गिर चुका है स्टॉक। पिछले एक महीने की बात करें तो -6.37% का निगेटिव रिटर्न दिया है, एंट्री लेवल बहुत अच्छा बन रहा है। सबसे अच्छी बात है कि इसके ऊपर कोई भी रेड फ्लैग नहीं है, न ASM न GSM किसी लिस्ट में ये शामिल नहीं है। और बहुत सारे जो लोग हैं वो परेशान है कि इसमें सर हम सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर फंसे हुए, तो ऐसी बात नहीं है, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट और म्यूचुअल फंड लगातार बढ़ा रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि जो गिरवी शेयर है वो लगातार कम हो रहे, सबसे अच्छी बात यही है। इससे एक बात समझ में आ रही है कि अंदर से यस बैंक बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रही है। तो एक बार हम शेयर होल्डिंग पैटर्न को डिस्कस करेंगे, तो दिसंबर में जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 13.05 थी, जो मार्च में कम हो गई यानी 8.33% रह गई, और जून क्वार्टर आते थे वो 1.42% रह गई, यानी जून क्वार्टर में आके लेटेस्ट क्वार्टर में लगभग प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पे है नहीं। और जो अब सबसे बड़ी जो यहाँ पे जो आपके लिए हौसला भरने वाली बात है, जो आपके मन में जोश भर सकती है, वो ये बात है कि इसके जो शेयर है वो भी लगातार गिरवी जो है वो कम हो रहे। तो दिसंबर क्वार्टर में 35.05% के इनके शेयर गिरवी थे, मार्च आते थे वो मात्र 2.59% रह गए, जून क्वार्टर में 1.69% रह गई है उनकी शेयर होल्ड गिरवी। तो आप ये देख लो, गिरवी शेयर है वो इनके अब कम होते जा रहे हैं, इसका मतलब ये यस बैंक की सेहत को साबित करता है, आने वाले समय में बिल्कुल इनकी जो शेयर है वो पूरे फ्री हो जाएंगे, तो एक बहुत बड़ा एक पॉजिटिव स्टेप इसके लिए उठाया जा रहा है यस बैंक के मैनेजमेंट की तरफ से। लगातार यस बैंक के कर्ज को कम किया जा रहा है, यह इसका एक बहुत बड़ा सबूत है। FII की बात करें तो 16.61% की उनकी होल्डिंग थी, उन्होंने थोड़ा सा इसको कम किया, मार्च क्वार्टर में 15.37% ले आए और जून क्वार्टर में उसको और कम किया, 12.03% पे लाए। तो FII यहाँ पर लगातार अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, निचले लेवल से उन्होंने पहले खरीदारी की थी। और दूसरी बात यह भी है कि FII फिलहाल अभी भी बाजार में बायर नहीं बने, वो लगातार सेल ही कर रहे हैं। बात DII की करें तो उन्होंने कोई बड़ी अपनी होल्डिंग को कम नहीं किया है। फ्रेंड्स, अगर बड़े फंड हाउस की बात करें तो 45.74% की होल्डिंग उनकी दिसंबर में थी, मार्च क्वार्टर में उन्होंने प्रॉफिट बुक किया यानी 45.12% कर लिया, लेकिन जून क्वार्टर में उन्होंने फिर से खरीदारी की है यानी 45.52% की होल्डिंग की है, जो पहले 12% थी, 45.12% थी मार्च में, उसको बढ़ा के 45.52% कर लिया जून क्वार्टर में। इसका मतलब बड़े फंड हाउस इस लेवल पर खरीदारी कर रहे हैं।
अपना निवेश बना रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ से फिर से स्टॉक बाउंस बैक देगा, बहुत ही शानदार तेजी की संभावना बन रही है, तो यहाँ पे DII का निवेश बढ़ रहा है। चलते हैं म्यूचुअल फंड पर। तो म्यूचुअल फंड की 0.32% की होल्डिंग थी दिसंबर क्वार्टर में, उन्होंने भी मार्च क्वार्टर में उसको थोड़ा सा कम किया है, यानी अपना प्रॉफिट बुक किया 0.30% कर लिया, लेकिन जून क्वार्टर में डबल से भी ज़्यादा यानी 0.73% कर लिया म्यूचुअल फंड ने होल्डिंग। तो ये एक बात साबित करती है कि इसमें बहुत सारे म्यूचुअल फंड अब निवेश कर रहे हैं, ये स्टॉक इस लेवल पे बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है। तो इस समय अगर आप लॉस बुक करके इससे बाहर निकल रहे हो तो इसका मतलब ये समझ लो कि आप एक ट्रैप में फंस रहे हो, क्योंकि जो माहौल बनाया जा रहा है वो बिल्कुल एक गलत है और स्टॉक 12 के ऊपर बहुत ज़्यादा मजबूत है। अदर्स की होल्डिंग की बात करें तो 37.65% की होल्डिंग थी उसको, मार्च में उन्होंने 39.51% किया और जून क्वार्टर में 42.45% किया, तो अदर्स की होल्डिंग बढ़ रही है। और अब एक बार हम उन म्यूचुअल फंड की बात कर लेते हैं जिन्होंने इसमें होल्डिंग ली हुई है। तो ये जो 30 जून तक की जो होल्डिंग है उसमें 71.43 करोड़ रुपये जो है ICICI प्रू ने इसमें लगाए हुए, 3.06% की उन्होंने होल्डिंग ली हुई है अपने टोटल। ICICI प्रू निफ्टी नेक्स्ट 15 है 14.84 करोड़ रुपीज़ लगाए हुए और उन्होंने 1.14% की होल्डिंग ली हुई है। UTI निफ्टी नेक्स्ट 15 ने 12.51 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और 1.14% की होल्डिंग ली हुई है। साथ में UTI निफ्टी नेक्स्ट ने 6.05 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया और 1.14% की होल्डिंग ली हुई है। उसके बाद में SBI निफ्टी 50 इंडेक्स ने 3.12 करोड़ रुपीज़ लगाए और 1.14% की होल्डिंग ली हुई है। उसके बाद में ICICI प्रू निफ्टी नेक्स्ट 15 ने 2.13 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया और 1.14% की होल्डिंग ली हुई है। और उसके बाद में SBI मल्टी एसेट एलोकेशन ने 1.63 करोड़ रुपीज़ का निवेश करके 0.41% की होल्डिंग ली हुई है। और DSP निफ्टी नेक्स्ट 15 ने 1.36 करोड़ रुपीज़ का निवेश किया और 1.14% की होल्डिंग ली हुई है। तो बहुत सारे बड़े बड़े म्यूचुअल फंड इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिससे एक बात समझ में आ रही है कि स्टॉक काफ़ी मजबूत है। और बिल्कुल एक तरह से भ्रम फैलाया जा रहा था कि ये कमज़ोर लग रहा है स्टॉक, लेकिन ऐसी बात नहीं है, इस लेवल पे खरीदारी हो रही है, तो आपको इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपना इन्वेस्टमेंट बनाए रखें, ये डेफिनेटली आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न देगा। और अगर आप ऊपर के लेवल से फंसे हुए तो 12 रुपीज़ के आसपास आप इसमें एवरेज करके नीचे भी अपना एवरेज ला सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा मौका आ गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारे लोगों के जो डाउट अब चल रहे थे कि वोडाफोन आइडिया के गिरावट से यस बैंक का क्या संबंध है, तो फ्रेंड्स बात यह है कि यस बैंक का बहुत बड़ा लोन अमाउंट फंसा हुआ है वोडाफोन आइडिया में। सबसे बड़े जो बैंकर है उसमें वोडाफोन आइडिया में वो है SBI जिनका 11,000 करोड़ है। उसके बाद में सेकंड नंबर यस बैंक का ही आता है जिनके 4,000 करोड़ रुपीज़ लगे हुए हैं। और उसके बाद में PNB बैंक है जिनके 3,000 करोड़ रुपीज़ है। उसके बाद में एक्सिस बैंक है जिनके 1,300 करोड़ रुपीज़ है। फिर ICICI बैंक है 1,700 करोड़ रुपीज़ और HDFC बैंक के 1,000 करोड़ रुपीज़ है। तो आप देख लो बड़ी बड़ी बैंकों में SBI के बाद में सेकंड नंबर यस बैंक ने लोन दिया हुआ है वोडाफोन आइडिया को, तो बड़ा अमाउंट है। और अगर ये अमाउंट डूब जाता है तो फिर बहुत बड़ी सेहत पे तकलीफ आ सकती है यस बैंक के, इसीलिए यस बैंक के स्टॉक में भी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से गिरावट का माहौल बना वोडाफोन आइडिया के साथ साथ में। अब जो सरकार ने जो बड़ा स्टेप उठाया है, सरकार ने 2012 के बाद में जो इनडायरेक्ट टैक्स के लिए जो पहले जो प्रोविज़न रखे हुए थे उसको अब अमेंडमेंट बिल के माध्यम से उसको खारिज करने जा रहे हैं, यानी 2012 के पहले जिसने भी जो भी इसका इनपुट डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स का जो मामला है वो सब अब कैंसिल हो जाएगा। तो वोडाफोन VLC के ऊपर भी सरकार की बहुत बड़ी देनदारी है, वो सारी अब खत्म हो जाएगी। तो अब इस मामले के आगे आने से सरकार ने एक प्रकार से बहुत बड़ी वोडाफोन आइडिया को राहत दी है और इसका बेनिफिट ये मिलेगा कि वोडाफोन VLC अब फ्री हैंड हो जाएगी इस कंपनी में अपना एक्सप्लोजर बढ़ाने के लिए। यानी वोडाफोन VLC फिर से सोचने लगी है कि हम इस वोडाफोन आइडिया के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाए, यानी अपना स्टेक बढ़ाए। तो हो सकता है आने वाले समय में वो निवेश बढ़ाए, क्योंकि एक उनको होप जगी है कि एक इंडिया की सरकार ने बड़ा डिसीजन लिया है, पुराने मामले को उन्होंने रफा दफा कर दिया है बिल में अमेंडमेंट करके। तो इससे एक पॉजिटिव सिग्नल जा रहा है इंटरनेशनल कम्युनिटी में भी कि हिंदुस्तान में आके हम निवेश कर सकते हैं, वहाँ के लिए जो नियम कायदे हैं वो थोड़े आसान किए जा रहे हैं। तो ये एक अच्छा पॉजिटिव स्टेप है और इसकी वजह से वोडाफोन आइडिया को राहत मिली और उसका फ़ायदा यस बैंक को भी मिला, क्योंकि यस बैंक के भी
जो 4000 करोड़ रुपीज़ का बड़ा एक लोन है वो एनपीए बनने से बचने की संभावना बनी है, वहाँ से रिकवरी की संभावना बन रही है, क्योंकि फिर से वोडाफोन आइडिया को जीवनदान दिया जा सकता है, क्योंकि सरकार भी नहीं चाहती कि इतनी बड़ी कंपनी डूब जाए, क्योंकि इसके पीछे लाखों लोगों के रोजगार जुड़े हुए, छोटे से छोटे कस्बे से इसके एजेंट जुड़े हुए हैं, तो इतना बड़ा रोजगार अगर पूरा बंद हो जाए तो कितना लॉस होगा, देश की साख भी पूरे दाव पे लग जाती है। तो इसके लिए सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगी, तो वोडाफोन आइडिया को जो जीवनदान मिलेगा उसका फायदा तो यस बैंक को भी मिलेगा, तो आने वाले समय में यस बैंक भी अच्छे से सर्वाइव कर पाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आप समझ रहे हो कि यस बैंक पूरी तरह से खराब है, तो ये एक सिर्फ माहौल बनाया जा रहा है, इसको ऐसा कुछ भी नहीं है। और बहुत सारे मैंने दूसरे कल परसों जो वीडियो बनाया उसमें भी आपको एग्जांपल दिया कि आईआरएफसी जैसे स्टॉक के साथ भी यही हो रहा है, आईटीसी के साथ ये हो रहा है, ये ऐसे स्टॉक है जो बहुत ही मजबूत है, कंपनियां भी मजबूत है, फिर भी उनके शेयरों की प्राइस नहीं बढ़ती, तो उसके पीछे बहुत सारे ऐसे ग्रुप लगे रहते हैं जो निगेटिव माहौल बना के लगातार उनकी प्राइस को नीचे रखने की कोशिश करते हैं, वरना उनकी जो सेहत बहुत अच्छी है। तो ऐसे समय में तो ऐसे स्टॉक में हमें इन्वेस्टमेंट करना ही चाहिए जो बिल्कुल हमें कौड़ियों के भाव में मिल रहे हैं, आने वाले समय में बहुत ही अच्छा हमें रिटर्न दे सकते हैं, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है और बार बार आपको इरिटेट होने की जरूरत नहीं है, बार बार इसमें आपको इतने घबरा के ऐसे गलत स्टेप लेने की जरूरत नहीं है, लॉस बुक करने की जरूरत नहीं है। इस लेवल पे ये स्टॉक आ चुका है कि यहाँ से अब सिर्फ बढ़ने की ही संभावना है, तो आप बने रहे। लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशन पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।